बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे पीटीआई की प्रोटेस्ट कॉल की, जो कि होने जा रहा है फ्राइडे को। हमारे जो जिमनी इलेक्शन हुए, इसमें जो धांधली हुई, पीटीआई की तरफ से ये बयानिया दिया गया कि इस के खिलाफ हम प्रोटेस्ट करेंगे। मुल्कगीर एक एहतजाज होगा, जिसमें हर एरिए में, हर सेक्टर में, हर सिटी में डिफरेंट प्लेसेस पे एहतजाज होगा। इससे पहले ये होता रहा है कि पीटीआई पहले भी मुल्कगीर एहतजाज करती रही है, लेकिन उसमें ये होता था कि हर एरिया, हर हल्का या हर सिटी के अंदर एक स्पेसिफिक प्लेस होती थी जहाँ पे जाके प्रोटेस्ट किया जाता था, सब गैदर होते थे। लेकिन इस दफा थोड़ी सी पॉलिसी चेंज की है। इस दफे की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली हर गली में, जहां जहां भी पीटीआई के नुमाइंदे हैं, वहां वहां पे पीटीआई का प्रोटेस्ट होगा। अब थोड़ा सा आसिफ साहब ये बताइएगा कि ये थोड़ा सा डिफरेंट जो प्रोटेस्ट है, इस दफा कॉल किया गया, इसके पीछे रीजन क्या है और ये माइंडसेट क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो इसकी मेन जो रीजन है वो ये है कि जब भी पीटीआई का कोई भी एहतजाज होता है तो उसमें पीटीआई के लोगों को उठा लिया जाता है, धर लिया जाता है, पुलिस के जगह जगह नाके लगा दिए जाते हैं। और पुलिस जो वो चूँकि पीटीआई एक जगह मुख्तस करती है अपने एहतजाज के लिए, तो उसके लिए पुलिस के जो है ना जगह जगह पे नाके लगा दिए जाते हैं और फिर पुलिस इंटरप्ट करती है उस एहतजाज को। तो पीटीआई इस वक्त इस स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है कि वो किसी भी जगह अपना जो है एहतजाज कंडक्ट कर सकती है। तो क्या ये मुश्किल नहीं होगा कि इतने ज्यादा जगह पे एहतजाज करना, हर सिटी में डिफरेंट प्लेसेस पे करना? बेसिकली मैं जो समझता हूँ, इस वक्त पीटीआई की जो पॉपुलेशन है पूरे मुल्क में वो 90% भी क्रॉस कर चुकी है। तो आप अगर एक गली मोहल्ले में भी एक कॉर्नर मीटिंग रखें तो आपको एक बड़ा जो है इज्तिमा देखने को मिलेगा। अच्छा, तो इस एहतजाज का जो मकसद है, देखें हमारे पास इतनी ज्यादा पुलिस तो नहीं है कि वो मुल्क में हर सिटी के अंदर डिफरेंट प्लेसेस के अंदर जाके वहां पे लोगों को रोके या वहां पे लोगों को पकड़े। तो उसमें ये है कि हर सिटी की एक स्पेसिफिक पुलिस होती है या हर हल्के की एक स्पेसिफिक पुलिस होती है। अब उसने और भी चीजें देखनी होती है, उसने क्राइम भी देखना है, बाकी भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखनी है। तो अगर वो सारे इस तरफ लग जाएंगे तो वो सिचुएशन रह जाएगी। तो इस दफा एक किस्म की गेम नहीं खेली इन्होंने? और दूसरी बात है कि इस माइंडसेट के पीछे है कौन? माजी में हमें ये चीजें नजर नहीं आई। मुल्कगीर एहतजाज जरूर हुआ है, लेकिन इस तरह हर गली मोहल्ले में, हर एरिया में, डिफरेंट प्लेसेस में जाके जो एहतजाज कर रहे हैं, पुलिस भी जारी बात एंगेज होगी, वो उसको रोक तो नहीं पाएंगे। फ्राइडे को नमाज के बाद, जो जुम्मे की नमाज है उसके बाद ये होने जा रहा है, तो इसकी माइंडसेट के पीछे कौन है और ये आइडिया कैसे आया माइंड में? बेसिकली जब किसी भी पार्टी के खिलाफ जब आप कोई इकदाम उठाते हैं, जैसे कि पिछले 1-1.5 साल से पीटीआई के खिलाफ होता चला आ रहा है, तो उसको देखते हुए जो है वो पीटीआई की जो सरबराहान है उन्होंने इस मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान किया है कि हम इस तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे कि हर घर से, हर मोहल्ले से लोग निकलें और अपने ही मोहल्ले में एहतजाज करें, अपने ही जो है वो आसपास के एरियाज के अंदर वो रहें, उनको कहीं बाहर ना जाना पड़े। और ये मेरे ख्याल से एक मुल्कगीर एक बड़ा एहतजाज होगा जो कि एक अच्छी इनकी स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो एहतजाज होगा। बैरिस्टर गुहर साहब ने ये बातें बोली है। एक तो उन्होंने बोला कि भाई बहुत बड़ी धांधली ये की गई है, ठीक है, जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था उसमें की गई थी, लेकिन ये जो अभी इलेक्शन हुआ है इसमें, जमनी इलेक्शन में, उससे ज्यादा बड़ी धांधली हुई है। तो दूसरा वो ये बात बोल रहे हैं कि एक पोलिंग स्टेशन था, वहां पे टोटल 750 वोट था, लेकिन वहां पे 900+ वोट वो पोल हुआ है। इसके अलावा जो मेन चीज है, जुडिशरी के जो आरोज हैं, इस दफा जुडिशरी से आरो क्यों नहीं लिए गए? हालांकि पहले तो ये कहा जाता था कि भाई इलेक्शन बहुत बड़ा है, पूरे मुल्क के अंदर हो रहा है, जुडिशरी के आरोज हम नहीं ले सकते, इतने ज्यादा नहीं है। इस दफा भी जो ब्यूरोक्रेसी है उनके आरोज लिए गए हैं। अब जो ब्यूरोक्रेट बेचारे होते हैं उनको तो खुद नौकरी का खतरा होता है, वो तो खुद ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं हमारी नौकरी ना चली जाए, उन्होंने वही करना है जो ऊपर से उनको ऑर्डर्स मिलेंगे। तो जुडिशरी के आरो ना लेना, उसके बाद फिर फॉर्म 45 पे स्टार्ट पे ही दस्तखत कर लेना, बल्कि इस दफा तो एक एक दो दो दिन पहले एजेंट को बुला के उनको बोला कि आप उसको दस्तखत। जी जी, ये बहुत सारी जगहों पर, बल्कि पंजाब भर में ये देखने को मिला कि सुबह जब पोलिंग स्टार्ट हुई उससे पहले ही जितने भी नुमाइंदगान थे उनसे फॉर्म 45 पे साइन ले लिए गए थे। और उसके बाद फिर दिन को, शाम के टाइम भी हमने देखा कि बहुत सारी जगहों से वीडियोस भी आई
पुलिस की बाकायदा कस्टडी के अंदर आप जो है वो देखते हैं कि स्टैम्प्स लगाए जा रहे हैं, वोट्स जो वो बेसिकली पीटीआई को हराने के लिए वोट्स के ऊपर स्टैम्प्स लगाए जा रहे हैं। बहुत ज्यादा वीडियोस निकली हैं जिसमें क्लियर ठप्पे लग रहे हैं, वहां पे धांधली का क्लियर हो रहा है, लेकिन मुझे बताएं जो हमारी इंतजामिया वो खामोश क्यों है, ये ऑर्डर्स कहाँ से आ रहे हैं? बेसिकली इंतजामिया खामोश नहीं है, इंतजामिया ही कर रही है, आप बेहतर समझते हैं जो भी हो रहा है वो बेसिकली तो उन्हीं की तरफ से हो रहा है, मेरा ये मानना है। तो अगर तो वो इन्वॉल्व ना हो तो ये कुछ भी ना हो सके। एक पार्टी को जितवाने के लिए आप जो है वो इतनी हद तक नीचे जा सकते हैं, इतनी हद तक गिर सकते हैं। तो ये बेसिकली मैंने जब शाम को न्यूज़ पढ़ी तो पंजाब भर में उसमें न्यूज़ में आ रहा था कि पंजाब भर में नून लीग ने क्लीन स्वीप कर लिया, तो इस बात पे मुझे हंसी भी आई कि किस तरीके से जो है वो एक पार्टी को ऊपर लाया जा रहा है और उसी पार्टी को कुछ अरसा पहले जो है वो कुचला जा रहा था। तो ये एक मिली भगत होती है, सिंध में भी ऐसे हुआ है और केपीके के अंदर जो है वो ऐसे नहीं होने दिया गया। इससे पहले भी 8 फरवरी को भी आपने देखा और अब भी आपने देखा, एक वो रेहान जेब जो शहीद हुआ था उसके भाई ने इलेक्शन लड़ा है और वो भी अच्छे मार्जिन से वो जीता है वहाँ पे। और कुछ एरियाज ऐसे हैं जैसे बाजौड़ का एरिया है, उसमें पीटीआई का एक कैंडिडेट हारा भी है, तो उसको भी पीटीआई ने ऑन किया है कि हमने जो इलेक्शन है उसके अंदर हमने कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं की, हुकूमत ने कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं की, जिसकी वजह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं वहाँ पे और हमारे कैंडिडेट ना सिर्फ जीते हैं बल्कि हारे भी हैं। बिल्कुल। अच्छा, जहाँ तक बात करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, जब आप इलेक्शन जब फ्री एंड फेयर नहीं होंगे तो फिर इलेक्शन कराने की जरूरत ही नहीं है, आप क्यों आवाम का टाइम वेस्ट कर रहे हैं? इसके अलावा गंडापुर साहब ने क्लियर अब ये मैसेज दिया है कि भाई अभी हम लोग जा रहे हैं मुल्कगीर एहतजाज हम लोग करेंगे और इसके अलावा इमरान खान की रिहाई की तरफ भी हम लोग जाएंगे। तो बाकी जो स्कीमें जिस तरह सस्ती रोटी की स्कीम है वो फ्लॉप हुई है, उसके अलावा चीनी आपकी महंगी हो गई है और इसके अलावा जो किसान हैं जो वो गंदम फरोख्त कर रहे हैं उसमें उनको बहुत ज्यादा मसाइल मिल रहे हैं, उनको रेट नहीं मिल रहा, आटा इतना महंगा है, गंदम इतनी सस्ती खरीदी जा रही है, चीनी के रेट आपके बढ़ चुके हैं और भी बहुत सारी चीजें वो रेट आपके बढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? बेसिकली हमारे मुल्क में जो पिछले कुछ अरसे से बल्कि काफ़ी अरसे से ये चल रहा है कि जो गंदम हम यहाँ पे खुद कफील हैं हम ज़रात के अंदर, और गंदम यहाँ पे जब हम उगाते हैं हमारे किसान गरीब जो है वो पूरा साल मेहनत करते हैं, मेहनत के बाद जब उनका फल का टाइम आता है तो उस टाइम पे उनको रेट उस तरह का नहीं मिलता और फिर वो हुकूमत उनसे जो जिस रेट पे गंदम खरीदती है तो उसको यहाँ से बजाय के उसको मुल्क के अंदर तकसीम करने के उसको यहाँ से अफगानिस्तान स्मगल कर दिया जाता है, यहाँ से और ममालिक में स्मगल कर दिया जाता है और उसके बाद जब मिड ऑफ द ईयर आता है तो उसके अंदर आप पिछले साल भी ऐसे हुआ कि हमें गंदम बाहर से खरीदनी पड़ी और बाहर से जो गंदम हमारे लिए खरीदी गई उसको भी आपने देखा कि वो जो खराब खाम माल था गंदम वो सारी यहाँ पे खरीदी गई और वही सारी पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो मिल्स को फराम की गई। मतलब मुझे ये समझ आ रहा जो मैं देख रहा हूँ कि गंदम तैयार होती है अच्छी गंदम आप बाहर भेज देते हो, जो गंदम बच भी जाती है वो हमारे गोदामों में पड़ी रहती है, फिर या तो वो खराब हो जाती है, सावन का महीना उसमें गुजर जाता है या तो कीड़े लग जाते हैं, या फिर वही उठा के मिलों को सस्ती दी जाती है और चूंकि वो थोड़ा खराब होती है, कंडीशन अच्छी नहीं होती, तो फिर वो सस्ता जो आटा है तो वो भी जिसमें बहुत बड़ी करप्शन हुई है, तो सस्ता आटा भी जाहिर बात है उस खराब गंदम से बना हुआ है। बेसिकली जो गंदम यहाँ पे यहाँ से स्मगल नहीं हो सकती ना, तो वो गंदम भी यहाँ पे स्टोर कर दी जाती है। अच्छा, सिंध के अंदर बहुत सी जगहों पे आपने सुना भी होगा कि गंदम पड़े पड़े उसके अंदर से जो है वो दोबारा पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। और वो गंदम वहीं पे पड़ी रहती है और इनको सिर्फ कमीशन की लालच में गंदम जो है वो बाहर से दोबारा ये इंपोर्ट करते हैं और फिर वो आवाम के अंदर तकसीम करते हैं और महंगे दामों फरोख्त। अच्छा अच्छा, ये कमीशन के लिए दोबारा लेते हैं, अपनी गंदम इस्तेमाल नहीं करते जो हमारे मुल्क में होती है। तो आखिर मुझे एक बात बताएं, मैं वो जो सहाफ़ी हैं जो इमरान खान के दौर में बहुत ज़्यादा बोलते थे
कि जब पेट्रोल महंगा हो गया, आज आटा महंगा हो गया, चीनी महंगा होगी, तो ये सारे अब कहाँ चले गए, गायब हो गए आजकल। बेसिकली आप अगर गौर करें तो हमारे मुल्क में एक एजेंडा है जिसके ऊपर बकायदा से काम किया जाता है, और वो एजेंडा वो है कि जिसके मुतालिक आपको बड़े जिसके खिलाफ होने का कहते हैं वो उसके खिलाफ बोलते हैं। अब मैं ज्यादा इस पे खुल के भी बात नहीं करना चाहता, व्यूअर्स जो है वो इस बात को समझते भी हैं कि जो एजेंडा हमारे मुल्क में चल रहा होता है जिस टाइम पे जिसके खिलाफ भी आपने एजेंडा चलाना होता है, तो वो वही सहाफ़ी हैं जो उस वक्त उसके खिलाफ हो जाते हैं। अच्छा, जिन्हें वो लिफाफे वाला सहाफ़ी भी बोलते थे। हाँ जी। तो अच्छा, दूसरा अब मुझे ये बताएं कि खान साहब जो इमरान खान साहब हैं, इन्होंने क्या घोल के लोगों को पिला दिए कि हर बच्चा बड़ा सब उनके गुण गा रहा है और उनके पीछे अवाम का इतना जम्मे गफीर है कि पहले तो हम ये पॉसिबल ही नहीं था कि मुल्गीर एहतजाज हो, फिर वो उन्होंने करके दिखाया, उसके बाद ये भी पॉसिबल नहीं था कि मुल्गीर एहतजाज में आप डिफरेंट प्लेसेस चूज करो एक ही एरिए एक ही सिटी के अंदर, तो ये इतनी ज्यादा अवाम कैसे इकट्ठी की और कैसे इतना बड़ा एक लश्कर उनके पीछे चल रहा है। बेसिकली एक कोई तो, जादू की उन्होंने कोई बूटी शूटी तो नहीं पिला दी? मेरे ख्याल से तो ये जादू की छड़ी है उनके पास। हाँ। कि जो वो बोलते हैं उसका असर जो है वो लोगों पे होता जाता है। आज से कुछ अरसा पहले जो है वो इमरान खान की इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, पॉपुलैरिटी नहीं थी, फॉलोइंग कम थी, फैन फॉलोइंग इतनी नहीं थी। फैन फॉलोइंग तो खैर उस वक्त भी थी, लेकिन जो इस वक्त उन्होंने अपना करिश्मा बना लिया है पूरे मुल्क के अंदर, वो जो है वो कुछ अरसा पहले नहीं था। उसकी एक तो बेसिक वजह यह है कि अब इमरान खान ने लोगों को एक सोच दे दी है। वो सोच ये है कि आपके मुल्क के अंदर एक ही एजेंडा चल रहा है, एक ही जो है वो तबका है जो बार बार बारियां लेके आपके ऊपर हुकूमत करता है और आपको मजीद से मजीद जो है वो कुचलता है। तो बेसिक तो है कि दो खानदानों के अंदर ये एक जंग तो नहीं, आप यूं समझ लें कि बारियां चल रही थी जिसको इमरान खान ने आके ख़त्म किया। तो दूसरी बात ये थी कि जब इमरान खान की हुकूमत आई तो उसके अंदर उसमें एक तो ये था कि उसने जो वो एजेंडा चल रहा था दो खानदानों का आपस में, उसको ख़त्म करने की कोशिश की, और दूसरी जो आपके ऊपर जो आपके मालकान आपको चलाते हैं उनकी बात ना मानने की वजह से इमरान खान जो है वो उसको कुचला गया। और ये बात इमरान खान ने पूरे जो है वो मुल्क को, पूरे एक एक बच्चे को समझा दी कि आपके मुल्क में दरअसल क्या चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसके अलावा बहुत से बंदे हैं उनके नाम ECL से निकाल दिया गया, जिस तरह मुराद सईद हैं, फवाद चौधरी है, अली अमीन गंडापुर हैं, उमर अयूब हैं, तो बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो PTI के, उनके नाम ECL से निकाल दिए हैं, लेकिन साफियों के नाम नहीं निकाले, जिस तरह इमरान रियाज खान है, समी है, तो इनके नाम भी ECL से नहीं निकाले गए। तो अब होने क्या जा रहा है, समझ नहीं आ रही। देखें, वहां से सख्ती कर रहे हैं, वहां से आपको ये इलेक्शन का सारा सिनेरियो आपके सामने से गुजरा, उसके बाद फिर अभी एकदम से ECL से नाम निकालना, क्या है? वो ये चाह रहे हैं कि ये सारे यहाँ से चले जाएं, क्या पाकिस्तान से लीडर्स को बाहर निकाला जा रहा है? बेसिकली मैं समझता हूँ कि जो हमारी KP हुकूमत बनी है ना, उसका एक प्रेशर है इस टाइम पे, चाहे वो फौज है, चाहे वो दूसरी सूबों की हुकूमतें हैं या वफाकी हुकूमत है, उसके ऊपर एक प्रेशर ज़रूर है, क्योंकि एक सूबा जो है वो उनके पास है और वहाँ का जितना भी सिस्टम है, कानून है, वो उनके अंडर है, तो उसका भी एक प्रेशर है इनके ऊपर। दूसरा, जो सहाफ़ी इनके खिलाफ बोलते हैं उनके ऊपर ये अपना प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि जब तक उनके ऊपर प्रेशर रहेगा तो शायद वो कम बोलें। तो इस वजह से भी इन्होंने जो है वो उनके नाम ECL से नहीं निकाले, लेकिन उन लोगों के नाम निकाल दिए। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो इस वक्त PTI का हिस्सा नहीं है, जिनके नाम ECL से निकल गए। बिल्कुल। और कुछ ऐसे हैं जिन जो अभी तक एफिलिएटेड हैं, चाहे वो सामने से नहीं है लेकिन अंदर से वो PTI के साथ हैं, लेकिन उनके नाम भी ECL से निकाल दिए गए।
ठीक है। अच्छा एक सोच है, एक इमरान खान की अपनी एक सोच है, इमरान खान के अपने कुछ इकदाम आते हैं, उनकी कुछ अपनी पॉलिसीज थी, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान के पास फंड भी नहीं है, IMF अभी नई नई जो किस्त है वो देगा पाकिस्तान को, उसके बाद उम्मीद है कि थोड़ी सी सिचुएशन बदल जाएगी, लेकिन उधार तो उधार होता है। तो ये जो सारा इस सुनेरियो को हम देखें, वहां पे हमारी अवाम परेशान है, हमारा मिडिल क्लास तबका परेशान है, चाहे वो अपर क्लास है चाहे वो लोअर क्लास है, सबके लिए एक्सपेंसेस मीट करना इस टाइम बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। हर बंदे इस टाइम बहुत ज्यादा परेशान है, पाकिस्तान के जो हालात हैं किसी लिहाज से भी, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो चाहे वो इकोनॉमिकल सिचुएशन हो, तो हर सिचुएशन इस टाइम पाकिस्तान में बुरी चल रही है। कराची की सिचुएशन देख लें, किसी को गोली मार रहे हैं, पहले डकैती होता था गोली नहीं मारते थे, अब वो गोली भी मार रहे हैं, मोबाइल छीने जा रहे हैं, और मुल्क में जहां पे सियासत में आप मैदान में देख लें, कंपेन नहीं करने दी गई PTI को खुल के, उसके अलावा उनके कैंडिडेट कुछ को शहीद कर दिया गया, तो ये सारे अगर सिनेरियो देखें तो पाकिस्तान जो है वो एक अच्छी राह की तरफ नहीं जा रहा। तो मुस्तकबिल में अब पाकिस्तान का फ्यूचर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मुस्तकबिल जो है ना पाकिस्तान का, उसका तो हम दुआ कर सकते हैं कि अच्छा हो, लेकिन जो हालात चल रहे हैं, जो अभी का सिनेरियो है जिसकी वजह से ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी ठीक नहीं है, इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान जो है वो स्टेबल नहीं है, और दूसरा ये कि पाकिस्तान में जब भी कोई लोगों का जहन साजी करनी होती है, लोगों का जहन बदलना होता है, तो पाकिस्तान में बेसिकली हालात ही खराब किए जाते हैं, और हालात पाकिस्तान में खुद खराब किए जाते हैं। हालांकि इससे पहले के 3 साल जो थे 2018 से 2020 के दरमियान का जो एरिया था, उसमें हालात इस तरह के बिल्कुल नहीं थे, उसमें लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक था, दूसरा हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हो चुके थे, तो उन सब को इफेक्ट करने के लिए ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो उसको हालात को ख़राब किया जाता है, ताकि लोगों का ध्यान उस तरफ चला जाए और मेन जो वजह है, मेन जो चीज़ है, उसकी तरफ से लोगों का ध्यान हट जाए। व्यूअर्स अभी देखते हैं कि फ्राइडे को क्या सिचुएशन रहती है, वो हम साथ साथ उसको मॉनिटर करेंगे, अल्लाह करे कि जो भी सिचुएशन हो, सिचुएशन पाकिस्तान की बेटर हो जाए। व्यूअर्स कॉमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर कॉमेंट करना है, अपनी राय आपने ज़रूर देनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।